गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। तो आज का ब्लॉग हो गया थोड़ा लेट, क्योंकि आज है हम लोगों का हरेले का त्यौहार। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी उत्तराखंड वालों को, सभी अपने लोगों को जितने भी मेरे चैनल में हैं और बाकी सब लोगों को हरेले की बहुत सारी बधाई दूंगा। अच्छा, ये हरेला हम लोगों का त्यौहार है। आप देख सकते हैं ये हरेला अब मेरे हाथ में भी है, मैं आपको बताऊँगा इसकी भी स्टोरी। तो क्या होता है, सावन के महीना आने से पहले या शुरू होने से पहले 9 दिन पहले इसको बोया जाता है और इसको बंद कमरे में ही रखा जाता है। छोटे से आप मतलब कोई पट्टे में या किसी भी चीज़ में इसको बो सकते हैं और उसके बाद इसको 2 हिस्सों में रखेंगे और फिर इसको आप बंद कर देंगे, ढक देंगे, धूप से इसको बचा के रखेंगे बंद कमरे में। और अंधेरे में आपको इसको रखना होता है क्योंकि ताकि हल्का सा पीला हो जाए। तो पंडित जी आ चुके हैं और कट चुका हम लोगों का हरेला। मोस्टली हरेले का क्या है कि जब भी मौसम चेंज होता है, बारिश होती है और नई फसल का आना होता है, तो इसलिए भी हरेला बोया जाता है। बहुत सारी चीज़ें भी हैं इसके पीछे, बहुत सारा, ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। और है ये भी है कि हरेला ना 3 बार होता है साल में। ये पहला हरेला है जो हम लोगों का हो चुका है और बहुत सारे लोगों का दूसरी बार और तीसरी बार होगा, इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो चलिए अब चलेंगे मंदिर और मंदिर में जाके करेंगे पूजा, क्योंकि हरेला सारे भगवान को चलाया जाता है मंदिर में। और उससे पहले मम्मी चलाएगी हमें भी और मिलेंगे पैसा। अब तो चलिए दिखाता हूँ कितने पैसे मिलते हैं और कितने मम्मी है मुझे देगी भी और कितनी बार चढ़ाएगी भी। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं मंदिर, क्योंकि अब करने का टाइम भी हो गया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह से। मम्मी तो बोल रही है फास्ट ले लो, तो उसके बाद कहीं और भी जाना है, तो जल्दी जल्दी जाएंगे मंदिर। और आज है मौसम बहुत अच्छा, तो चलिए मिलते हैं। और बच्चों के साथ भी जाएंगे क्योंकि कुछ बच्चे आए हैं आज बाहर से, तो बोल रहे थे कि भैया हमें भी लेके जाना, तो उनसे मिलते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर में कैसे मंदिर में चढ़ाया जाता है और क्या है हरेला। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। देख सकते हैं ये है हम लोगों का हरेला और पंडित जी आ चुके हैं। अब इसकी पूजा हो गई जो है, ये हरेला महापर्व होता है, तो इसका जो है हमारे पौराणिक ग्रंथ में बड़ा अच्छा हुआ है। तो ये जो है ये शुभ शुभवृत्ति का परिचायक है। तो जो अगली हमारी फसल होती है वो शुभ धन धान्य रहे और समय सुख समृद्धि रहे, परिवार में सभी आरोग्य रहे, तो इस कामना के लिए हम भगवान की स्तुति करते हैं। हमारे चाचा जी और बैठे हैं पापा जी हमारे, अंदर से आ गए। मम्मी ये हम लोगों का हरेला हो चुका है, देखो चाचा जी ने हरेला टीका वीका लगा के आ गए हैं बिल्कुल बढ़िया ढंग से। और हमारा ओरियो, अब हम जाएंगे मंदिर। ये बाबा जी सर में, कान में, सब जगह चढ़ा के बैठे हैं। यही हमारा त्यौहार है और इसको ऐसे चढ़ाया जाता है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और दिखा देते हैं एक बार फिर भी। अभी तो निकली बहुत अच्छी धूप भैया। और मेरा डॉग ओरियो, इसको शैतानी करने से फुर्सत नहीं मिलती है। ओरियो, अब मैं दिखाता हूँ इसने क्या किया भाई। यहाँ पे इसने, इसकी ये छुपाने वाली चीज जगह है इसकी, यहाँ पे ये देखिए इसको, ये यहाँ पे पत्थर से छुपाता है, सामान रखता है, फिर इसको कर देता है। लेकिन अभी ये मुझे काटने आ रहा है क्योंकि मेरे हाथ में है लीड। तो चलिए, तो निकल चुका हूँ मैं घर से मंदिर की तरफ और आप में देख सकते हैं मेरी थाली जो मम्मी ने मुझे दी हुई है। तो देखते हैं रास्ते में मुझे कौन कौन मिलता है। वो सामने आ चुके हैं हमारे भैया, तो चलिए उनसे मिलते हैं, पहले उनसे भी करते हैं मुलाकात। तो आप देख सकते हैं रास्ता जो सीधा लेके जाएगा हमें मंदिर में। और आपको दिखाता हूँ केला, बहुत सारे केले लगे हुए पेड़ पर, आप देख रहे हैं, ये है पहाड़ी केले। तो ये है हमारे मनोज भैया जो कल ही आए हैं। अब ये भर रहे पानी, क्योंकि घर घर में यहाँ तो नल होते नहीं पहाड़ में, तो पहाड़ में जितने भी होते हैं सब होते हैं दूर नल, तो सब आते हैं पानी भरने। तो ये नहीं आ रहे मंदिर, थोड़ा कुछ और रीज़न है। तो कोई नहीं, हम चलेंगे आगे। ये आ चुके हैं मेरे भाई लोग हरेला लेके, और जो भी नई फसल हुई है तो बंटी भाई लेके जा रहे हैं आगे भुट्टा उसमें, क्योंकि पहला जो भी नया फसल अभी होगी ये चलेगी, हमारे भगवान जी को चढ़ेगा, माता जी को चढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सुंदर आपको यहाँ से नज़ारा भी दिखेगा काफ़ी, क्योंकि धूप ने बहुत सही निकली आज। हाँ चलिए आगे की तरफ निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ सामने है हम लोगों का मंदिर। आपने शायद मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, पर यहाँ जाने का ना जो सुकून मिलता है ना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज हम लोग चढ़ाएंगे माता को हरेला, क्योंकि आज हमारा दिन है उनको चढ़ाने का, आज उनका दिन भी है कि उनके बच्चे द्वारा
उनके अपनों के द्वारा उनको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। देखो देने का तो क्या दे सकते हैं, पर यह है कि हाँ वहाँ जाके मिल लेंगे, थोड़ी देर कर लेंगे अपनी बातें भी। तो दोनों भाई तो मेरे जा चुके हैं अभी, शायद हम पहले ही तीन लोग हैं जो सबसे पहले जा रहे हैं, अभी पीछे सब आएंगे क्योंकि पंडित जी एक एक करके सबके घर जा रहे हैं ना। तो सुबह हो गए, पंडित जी लेट आए हैं 9 बजे, अब जब तक वो आएंगे तब तक तो लेट ही हो जाएगा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मंदिर और आपको ले जाता हूँ मंदिर में। पहुँच चुका हूँ मंदिर पर और थोड़ा सा बस एक चीज़ हम भूल गए घर पे, हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लगाया मंदिर में ताला, तो हम ताला लेके चाबी लेके नहीं आए हैं। तो अब करेंगे थोड़ी देर वेट, तो तब तक मैं कराता हूँ आपको मंदिर के दर्शन और दिखाता हूँ मंदिर और वहाँ से पूरा व्यू। क्योंकि हम मंदिर पे हम देख सकते हैं मंदिर की सीढ़ियाँ और ये पहला गेट है, फिर ये दूसरा गेट है। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा, बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से, क्योंकि अब जानते हैं पहाड़ वाली माता का मंदिर हमेशा दूर रहता है गांव से, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये है मंदिर, अब हम लोग लेके नहीं आए हैं चाबी, हम करेंगे वेट, तब तक आपको दिखाता हूँ व्यू। तो आप देख सकते हैं मंदिर से कितना प्यारा व्यू दिख रहा है आपको, कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का। ये देखिए बहुत अच्छी धूप निकली है, अभी धूप सिर्फ अभी निकली है, शाम को तो फिर बारिश तूफान ही आ रहा है बहुत ज़्यादा जोर का। मेरे भाई ईशु अब ये लेके आए हैं चाबी, तो लाओ ईशु चाबी लेके आए हम। और तो हम लोग जब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे, जब हमने नाइट यहाँ पे रुके थे नाइट में, तो हमने देखा था तेंदुआ। मैं आपको दिखाता हूँ तेंदुआ कहाँ पे था और वो डर का रहा, वो रात जो डर में कटी हुई है कमरे के अंदर, लोग एक साथ बाहर जा रहे थे, मतलब वो भी अलग सा एक अलग लाइफ थी जिंदगी में, मतलब अलग अलग दिन था। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बैठा था वो, और यहाँ से एक भाई ने पत्थर पकड़ा था भाई, वो मतलब वो तो इतना ज़्यादा डर गया था वो भाई, शायद ही मतलब इतनी डर उससे कभी लगी होगी। पर यहाँ ये मोस्टली होता है क्योंकि ये हमारे पूर्वज भी बोलते हैं माता का मंदिर है, तो माता का तो की तो सवारी ही शेर है, तेंदुआ है, तो वो आते रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर डर तो रहता ही है कि जानवर ही है, कभी कुछ करते। तो चलिए अब मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ माता को चढ़ाते कैसे हरेला है और कैसे पूजा होती है, फिर चलेंगे घर की तरफ। आज वीडियो ज़्यादा क्या कहें थे बब के। हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर और आप ये देख सकते हैं माता जी, एक बार जोर से सभी लोग बोलेंगे जय माता दी, और आप देख सकते हैं आप कर लीजिए माता के दर्शन, आप चढ़ाएंगे उनको हम हरेला। सकते हैं माता को चढ़ रहा है हरेला, ये माता के चरणों में होगा समर्पित। आप देखते हैं दोनों भाई मेरे चला रहे हैं हरेला। तो सबसे पूजा यही होती है, माता से धन दौलत जो भी मांगनी होती है सब मांगते हैं यहाँ पे, अच्छी चीज़ें माता हमेशा कृपा बनाए रखेगी सब पे आप पे। एक बार फिर से जो से बोलेंगे जय माता दी, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं निकल चुका हूँ पूजा पूरी करने के बाद घर की तरफ, और जैसे कि आपने देखा कि माता जी को हम लोगों ने यहाँ पे चढ़ा दिया है हरेला। और पूजा करने के बाद कटने के बाद सबसे पहले हरेला माता को ही चढ़ता है घर में, जब आप लोग सब पंडित जी आप लोगों को चढ़ा देते, तो उसके बाद मैया को ही माता ही को ही ये हरेला चढ़ता है। तो चलिए आप करें इस मोमेंट को एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और खुश रहें मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे आप सबको एक बार न्यू वीडियो के साथ, और माता आप सब पे कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए।